मैं इसी मूवमेंट में तीन स्केल लगा दू, इस तीन स्केल पे गए इसी मूवमेंट में, देखो 10-10% के सीधा स्केल मिले। मेरा चिप्स निकाल दो। सर आए जो हल्द्वानी से मिलने, ये थोड़ा सा वैकेशन में निकले हुए। क्या कह रहा था तू? बैठ जा, सीट। गुड। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप काफ़ी अच्छा ट्रेड कर रहे होंगे। अगर अच्छा ट्रेड नहीं हो रहा है तो लगे रहो, अच्छी ट्रेडिंग हो जाएगी, ठीक है। बाकी आज है फ्राइडे और आप देख रहे हो सैटरडे को। कोई नहीं, गाड़ियाँ रोड मेरे बगल पर जाते थी गाड़ियाँ, तो आप देख रहे हो सैटरडे को। और ये वीक जो हमारा है वीकेंड, तीन दिन का आने वाला है, सैटरडे संडे और मंडे, तीन दिन छुट्टी। तीन दिन में मैं आपके लिए पूरा कंप्लीट कंटेंट रेडी कर रहा हूँ सीखने, क्योंकि सीख के ही करोगे बॉस, आप सीख के कर सकते हो। मेरे को देख रहे हो, जहाँ से देख रहे हो, जैसे देख रहे हो, सीख के कर सकते हो, और कोई ऑप्शन नहीं है। शॉर्टकट के पीछे जाओगे, बर्बाद हो जाओगे ट्रेडिंग में। और बाकी आज फ्राइडे को देखते क्या होता है। आज मैं सोचूंगा, क्योंकि मंडे को छुट्टी है, मंडे को अगर छुट्टी है तो अपने पास क्या है, मंडे को छुट्टी हो तो अपने पास ट्यूसडे का को होती है फिर निफ्टी की एक्सपायरी। इसका मतलब आज मूवमेंट आएगा, ठीक। आज फिर निफ्टी में मूवमेंट आएगा, तो आज हम फिर निफ्टी ट्रेड करेंगे निफ्टी फाइनेंस को, और ट्यूसडे को फिर निफ्टी ट्रेड करेंगे, एक्सपायरी होती है। बाकी ये अपना सोया है। स्कूटी, स्कूटी कोई मतलब नहीं। छत में पोटी कर रहा है दोस्तों। यहाँ पर ऑलमोस्ट मार्केट हो चुका है ओपन, और अगर मैं देखूँ तो ऑलमोस्ट सभी ये सब फ्लैट खुल रहे हैं, फ्लैट टू नेगेटिव कह सकते हो थोड़ा सा, क्योंकि यार काफ़ी दिनों से बहुत चढ़ रहा है मार्केट, थोड़ा सा मुझे लग रहा है गिरना चाहिए, यहाँ से थोड़ा नीचे चाहिए मार्केट की डायरेक्शन, थोड़ा सा करेक्शन चाहिए। तो एक बार लेवल्स, अब जैसे आज है फ्राइडे तो अपन को करना है फिर निफ्टी, तो थोड़ा सा लेवल्स को सेट करना जरूरी है, ठीक है। और वे लेवल्स लगाने को ज़्यादा टाइम लगता नहीं है, ये लगाया लेवल, ये लग गया एक, जहाँ से सपोर्ट लेने के लिए आ रहा है यहाँ पे एक सपोर्ट है, ठीक है। तो ये भी हो गया लेवल, एंड इसके बाद जो नेक्स्ट लेवल इसके बाद बनना है नियर अराउंड यहाँ कहीं पे एक लेवल बनना है, ठीक है। और क्या है, और अगर मैं अगर हम ट्रेंड लाइन को भी देखें तो यहाँ कहीं से हमें ऐसे कुछ एक मैच होती हुई चीज़ आ रही है, इसको हम कहते हैं ट्रेंड लाइन। लो, ये बन गया लेवल, ठीक है। प्रीवियस कोई स्विंग अगर हमें दिख रहा है उसको भी हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे। ये लो, ये भी हो गया लेवल। बैंक निफ्टी आ रहा है नीचे, लो बन गए लेवल्स, और कुछ नहीं। अब देखते हैं अब इन लेवल्स पे हम करेंगे ट्रेड। तो यहाँ पर देखो बिग बास सेटअप जो काम किया है हमारा, ये कल का था, इसको हटा देते हैं। ये जो आज का है देखो, फर्स्ट बिग बार सेटअप, और अभी मैंने इसमें कोई इंडिकेटर शायद इस पर नहीं लगा होगा ये वाला चार्ट में, क्योंकि मैंने कल हटाए थे। इसमें देखो अपन ने किया है फिन निफ्टी में ट्रेड, और मैं आपको फिन निफ्टी में दिखाता हूँ कि क्यों मैं स्लाइटली आउट ऑफ द मनी आया। 17,000 यहाँ पर जब प्राइस था, 19,032 था, मैं 19,000 की 18,950 की पुट ऑप्शन पर ट्रेड किया हूँ, ठीक है, इस सेकंड कैंडल के लिए। क्यों मैं किया हूँ देखो, सबसे पहली कैंडल जो है बड़ी है, फिर उसके बाद दो छोटी छोटी कैंडल आई है, लेकिन अगर इसमें मूव आना है, ये डाउन साइड मूव आना है, तो इसके जो नीचे के साइड का जो ऑप्शंस होंगे स्लाइडली आउट ऑफ द मनी 50 पॉइंट, वो भागेंगे, भाग रहे हैं, ठीक है। पहला कैंडल में 15 का 25 आया था, एंड देन नेक्स्ट कैंडल 25 का सीधा 40 गया है, और यही कैंडल चाहिए होता है स्कैल्पिंग के लिए, मोमेंटम स्कैल्पिंग के लिए। तो मैंने फर्स्ट ट्रेड यहाँ पर कर लिया है अपना 9,000 रुपीज़ के प्रॉफिट में। और ये देखो बिग बार सेटअप, इस पर बहुत ज़बरदस्त काम किया है, ये हमारा निफ्टी है, इसको अगर आप चाहो तो बहुत अच्छा कंटिन्यू भी कर सकते हो, सपोर्ट लेवल था यहाँ पर यहाँ तक, और ये हमारा फिर निफ्टी है, तो यहाँ पर भी एक सपोर्ट लेवल बनना है फिलहाल अभी इस जगह पर एग्जैक्ट यहाँ पे, एंड ये सपोर्ट पाया सीधा पाया। इस पर भी बिग बार सेटअप, इस पर कैसे लगेगा बिग बार सेटअप मैं दिखा देता हूँ। इस पर सिंपली अगर आपके पास एक फर्स्ट कैंडल पर उठाना चाह रहे हो, शॉर्ट पोजीशन फर्स्ट कैंडल पर उठाना चाह रहे हो, अगर आप यहाँ कहीं पर उठाते हो, वैसे सपोर्ट यहाँ उठता नहीं, तो ये 9 EM है जहाँ पर आ रही है ना, इसके स्लाइड ही ऊपर रहेगा आपका ऐसे बस, और इस नीचे ये जो सपोर्ट है वहाँ तक आप एक टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हो, या तो मेरे अकॉर्डिंग स्लाइड आउट ऑफ द मनी 10-20% आपको 10-15-20% मिल रहा है, तो आपको लेके भागना पड़ेगा, ठीक है। बाकी बैंक निफ्टी में भी सेम चीज़ देखो, फर्स्ट कैंडल वगैरह आप बिग बार पे फर्स्ट कैंडल पे उठाते हो, तो इस पर भी टारगेट है आपके पास, बट थोड़ा सा फर्स्ट कैंडल को अवॉइड करना चाहिए, अगर आप नए हो तो नहीं करना। बाकी देखो बिग बार पे कैसे काम होता है, कैसे स्कैल्प होते हैं, ये देखो सपोर्ट आया ना, सपोर्ट से भी घूम रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी फिन निफ्टी में अपने पास एक स्कैल्प, इस स्कैल्प क्यों है, ये स्कैल्प मैं यहाँ पर क्यों स्कैल्प करने गया हूँ ये बता देता हूँ, कि ये जो ट्राई करा था 9 EMA को टेस्ट करने की, रिजेक्शन नीचे से आया, बट ऊपर से ट्राई किया क्लोज करने की, नहीं कर पाया, रिजेक्शन आ गया। एंड उसके बाद जब ये नेक्स्ट कैंडल यहाँ पर एक डोजी टाइप की बनी, मैंने इसमें एंट्री सोचा कि मैं अगर इससे ऊपर अगर दोबारा कोई कैंडल निकलती है मैं निकल जाता, बट मैं तो एक कैंडल का प्लेयर हूँ, मेरे को स्कैल्पिंग करना था, और वो फेपर में आ गई कैंडल,
इसमें अभी जो अपना हो गया ऑलमोस्ट सेम ऑप्शन में ट्रेड किया था तो 42,000 इस स्कैल्प में और कंसिस्टेंट स्कैल्पिंग। इस पर 9 थे हम, यहाँ पर 42। अब देखते हैं हम आज के दिन फिर निफ्टी में कहाँ क्लोज करते हैं। जहाँ तक फर्स्ट कैंडल के अकॉर्डिंग मेरे को थोड़ा सा बेरिश लग रहा है, ये भी बेरिश लग रहा है, बट नीचे सपोर्ट है और विक्स भी नहीं बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं विक्स भी गिरा है 11 के आसपास, तो रुक सकता है, अभी स्लो है मार्केट और निफ्टी भी है देखो। तो अभी देखते हैं हमारा क्या रिजल्ट है पाता है यहाँ पे, मतलब किस तरीके की और स्कैल्पिंग हो पाती है मेरे से। तो मार्केट जो एक बार आपको दिखाता हूँ कि क्या है सिचुएशन मार्केट की और कहाँ कहाँ पर अपने पास एक परफेक्ट बिग बार का सेटअप बना है। तो ये देखो निफ्टी, मैं आज फिर निफ्टी करता था, निफ्टी में कोई ट्रेड मेरा है नहीं, बट मैं सेटअप को रेडी करके शेयर भी किया हूँ। ये देखो क्या परफेक्ट सेटअप यहाँ पर क्यों है बिग बार। देखो ये अब बहुतों के मैसेज होंगे, सर ये कैसे बिग बार हुआ, क्या है रेजिस्टेंस भी है, नहीं नीचे सपोर्ट है। आप पहले डायरेक्शन पकड़ो मार्केट की, कंप्लीट डायरेक्शन आपको मिल रही है, यहाँ पर सपोर्ट है हमारे पास, यहाँ सपोर्ट आया, मार्केट ने सपोर्ट लिया, ट्राई किया इसको तोड़ने का, नहीं गया, देन ये जितना डाउन मूव दिया था उतना कवर अप कर चुका है, देन 9 EMA के ऊपर ट्राई किया, होल्ड करनी है एंड देन बिग बार बनाया, तो यहाँ पर इजीली जा सकते हैं और ये हाई तक का हमारा टारगेट हो सकता है। ये देखो एक और बिग बार, देन एक और बिग बार, बट अभी थोड़ा सा ऊपर रेजिस्टेंस फेस करता है, तो रेजिस्टेंस के आसपास है, रेजिस्टेंस जोन में, यहाँ पर बिग बार मतलब यहाँ का ही स्कैल्प बन सकता था आपका, ठीक है। इस बिग बार में यहाँ पर भी अगर स्कैल्प होता है तो कॉस्ट टू कॉस्ट ही निकलते, आप लॉस में नहीं जाते क्योंकि SL तो हाई हिट ही नहीं हुआ है, ठीक है। और सेम अपन ने जो किया, अपन ने इसमें किया था निफ्टी को देखते हुए, बट वो कॉन्फिडेंस इसमें नहीं आ रहा था, स्मॉल से क्या 3,000 अराउंड इस पर बनाया था ये वाले में, तो यहाँ दो ट्रेड अपन पुट में ले चुके थे, फिर एक यहाँ, क्योंकि मैं कह रहा हूँ सिर्फ फिर निफ्टी। तो अभी मार्केट चल रहा है जबरदस्त, और मार्केट में जो अपना 3 PM के बाद सभी लोगों ने देखा हो क्या जबरदस्त मूव आया 3 PM कैंडल, पूरा दिन फिर निफ्टी बैंक निफ्टी एक रेंज में था, बट रिजल्ट सेशन चल रहा है, मतलब रिजल्ट आया है काफी अच्छा, रिलायंस को देखो तो काफी अच्छा मूव किया है, सारे बैंक्स SBI काफी जबरदस्त तरीके से मूव किए, और ये जो अप्रैल वाली सीरीज थी इसकी क्लोजिंग हो रही है, इट मीन्स मई वाला महीना जैसा देखा वो मई से देखेंगे, बट अप्रैल सीरीज का लास्ट दिन था, तो कल एक्सपायरी मूव नहीं आया, बट आज आ गया आई थिंक, वो आज का मूव है एक्सपायरी, और अगर कल ही आया होता ये वाला मूव निफ्टी या किसी भी उसमें, तो ऑप्शंस के प्रीमियम 10-10 गुना भागे होते, बट कोई नहीं आज भी ठीक है। तो अपन ने क्या ट्रेड किया और कहाँ पर बिग बार सेटअप आपको ट्रेड मिले हैं, ये देखो मॉर्निंग में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था, ये रेंज है इसमें कोई नहीं, बट एक साइड ट्रैप करके मार्केट जब ऊपर गया, देखो एक ये बिग बार सेटअप, ठीक है, एंड वैसे छोटा सा ही बनता, बट अब इसको इसके हाई में मोमेंटम में भी अगर नहीं घुसे होंगे तो एक ये बिग बार सेटअप है, नीचे का लो का SL और इसके अकॉर्डिंग आप जा सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर भी अच्छा खासा प्रीमियम जंप आपको दिख रहा होगा, बाकी मैं अपने ट्रेड से यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ एक बार। तो अपन का जो अभी प्रॉफिट अराउंड 79,000 है, सारे के सारे ऑलमोस्ट सारे ट्रेड ग्रीन है, एक भी रेड ट्रेड नहीं है, सारे बैक टू बैक चले हैं, जो 19,100 से लेकर 19,200 के में तीन स्ट्राइक प्राइस ट्रेड किए हैं, 19,100, 19,150, 19,200, इस तीनों के तीनों स्ट्राइक प्राइस इस मूव में ट्रेड हुए हैं, क्योंकि मैं स्कैल्प पर हूँ, मेरे को अगर 5-10% जहाँ मिलता है मैं वहाँ उठा के निकल जाता हूँ उसको, वही रूल स्कैल्पिंग में मैटर करता है, बट मैं पहली ट्रेड को अगर उठा के ले जाता तो काफ़ी जबरदस्त उसमें रिटर्न बन जाता, बट पहले नहीं, पहला था मोमेंटम जब मैंने 19,100 ही ट्रेड की थी, फिर 19,150 की इस वाली कैंडल पर ट्रेड किया, एंड देन वापस से इस रिजेक्शन के बाद जब प्राइस वापस निकलने लग गया तो इसी सेम चीज़ में मैंने 19,200 की ऑप्शन को ट्रेड किया है। तो ऐसी रहा था ट्रेड, और सर आए जो हल्द्वानी से मिलने, ये थोड़ा सा वैकेशंस में निकले हुए हैं, तो इनने सोचा कि थोड़ा मीटअप भी कर लेते हैं यहाँ से, तो सर भी आए थे, तो इनसे बातचीत कर रहा था मैं बात करते करते अपना ट्रेड भी किया हूं। स्कैल्पिंग भी किया हूँ, और वो स्कैल्पिंग की तगड़ी स्पीड थी कि तो सर को भी नहीं पता चला होगा कि कब स्कैल्प करके निकल गया सही बता रहा हूँ। तो स्कैल्प मैं इसी मूवमेंट में तीन स्कैल्प किए इसी मूवमेंट में, देखो 10-10% के सीधा स्कैल्प मिले इस मूवमेंट में, वो भी तीन ऑप्शन के अंदर, तो काफ़ी सही दिन था। बट अभी 3 PM पर मेरा इतना थोड़ा ध्यान नहीं गया कि 3 PM कैंडल आ रही है, 3 बज रहा है, वरना मैं इसको पहले से ही कैप्चर कर लेता, ठीक है। इसमें जो जितना मेरी कैपेसिटी थी, जितना मेरे बस का था, उतना मैंने बना लिया, या उतना ही मेरे बस का है, बाकी अभी देखते हैं आप मार्केट कहाँ क्लोज करता है, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आ रही है अभी, तो निकल लिए बेटे, गुड, मैं भी निकलता हूँ अपनी धनों लेके, राइड में जाने का अलग ही मजा है, तो अभी थोड़ा बाजार की तरफ भी जाना है, और उधर खेती भी चल रही है, तो इस वीकेंड में 3 दिन की छुट्टी है, तो खेत काटने तो जाना ही पड़ेगा भाई, खेत काटेंगे वहाँ रील बनाएंगे बढ़िया वाले, ठीक है मैं भी निकलता हूँ बाजार को। कर दिया अपन ने स्टार्ट, अभी बड़ी गंदी हो रही है, बाजार जाके कम्मू से मिल के आते हैं। तो अभी मैं आ गया हूँ घर पे, और अभी मार्केट गया था, सामान आज का राशन पानी लाना था,
मतलब महीने का कोटा वो भूल गया, गाड़ी चला रहा था और गाड़ी कैसे चला रहा था, हैंड ब्रेक लगा के मतलब 200 मीटर तो मैंने हैंड ब्रेक पे गाड़ी चलाई है, पर बाद में पता चला जब चढ़ाई पर गाड़ी रुक गई। और ये पता नहीं क्या कर रहा, क्या ढूंढ रहे थे, ओ चिप्स गिर है, निकाल तो ज्यादा देखो उसके अंदर उसका उसका चिप्स चला गया, वो इधर ही बैठेगा जब तक उसका चिप्स बाहर नहीं आता है। अबे बाल, उसके बाल लग रहे हैं यार, मस्त आदमी। अभी देखना अब अपनी टी शर्ट देख ले, देख देख भाई, मैं खाने में उसके बाल है ना, पीने में पानी में उसके बाल, फ्रूट में उसके बाल, बिस्तर में उसके बाल, मुझे लग रहा है मेरे पेट में बाल ही बाल जमा है, बाल जमा है मेरे पेट में, इसके ओबीसी के बाल जमा है। मेरा चिप्स निकाल दो, मेरा चिप्स अंदर से निकाल दो बोल रहा हूँ भाई, भाई उसके हाथ डाल के निकाल ले यार। गया बात। तो दोस्तों आज का दिन हमारा ऐसी था, ऑलमोस्ट आपने देखा होगा किस तरीके से पेशेंस के साथ बैठना पड़ता है ट्रेडिंग के अंदर, ठीक है। मैं आपसे हमेशा यही कहता हूँ, मेरे लॉजिक और मेरे ट्रेडिंग स्टाइल के पीछे मत जाओ, आप मेरे माइंडसेट पर जाओ बस, मेरे माइंडसेट, मेरा डिसिप्लिन और मैं जो थॉट प्रोसेस रखता हूँ, जो मैं एक बिलीफ सिस्टम रखता हूँ मार्केट में, जो मैं एक सिस्टम फॉलो करता हूँ, एक एक पर्टिकुलर मेरा जो अपना सेटअप है उसको फॉलो करता हूँ, उससे मेरी कंसिस्टेंसी है ना, आप उसको देखो, ठीक है। अब मैं अभी अगर अपना एक अपने ओवरऑल कैपिटल कुछ परसेंटेज यूज़ करता हूँ, तो धीरे धीरे जब मेरा ओवरऑल कैपिटल इंक्रीज होता जाएगा, वो परसेंटेज जो मैं यूज़ करता हूँ वो बढ़ता जाएगा, ठीक। ऐसे नहीं कर सकते कि आए और एक एक करोड़ से स्केल मार लेके 50,000 नहीं मार सकते, है ना, क्योंकि उतना आपके पास बैकअप में उसको मैनेज करने के लिए भी होना चाहिए, ठीक है। तो अपने जो कैपेसिटी है, जो अपने अपना लिए एक ट्रेडिंग में एक बेस बना रखा है, उसी बेस पर टिक के ही आगे को आपको ट्रेडिंग कंटिन्यू करनी होती है। ऐसा नहीं होता है ट्रेडिंग के अंदर कि आप एक दिन में डबल कर लो, ट्रिपल कर लो, कंपाउंडिंग की स्पीड से बनाओ, बनता है। एक दो महीने ऐसे आते हैं जो पूरे साल भर का आपका रेवेन्यू निकाल देते हैं, बट आप ट्रेडिंग पूरे साल करते हो तो आपने उसको बचाना होता है, अपना वो कैपिटल प्रोटेक्ट करके रखना होता है, ताकि आप पूरे साल भर में जब वो ऐसा मौका मार्केट देता है, जब वन साइडेड पैसा बनाने का मौका देता है, तब आप वो लगा सको। आप मैक्सिमम लोग गलती करते हो जब मार्केट में अपॉर्चुनिटी नहीं है, जब बन नहीं रहा पैसा, जब मार्केट देने के मूड में नहीं है, आप तब भी मार्केट से जबरदस्ती छीनना चाह रहे हो, तो वहाँ मार्केट ऐसी थोड़ा देन देगा पैसा। तो मार्केट की पूरी साइकोलॉजी को समझो, है ना। मेरा जो ट्रेडिंग स्टाइल है उसी को फॉलो करता हूँ। अब आप उसको कैसे समझते हो, कितना समझते हो, मैंने स्ट्रेटजी शेयर किया है, मैं उसमें क्लियरली बता देता हूँ कि यार बता देगा कि क्या है, स्कैल्पिंग कैसे करनी होती है। मैं 2, 4, 5, 10, 15, 20% मैं उठा के निकल जाता हूँ, बस मेरा टारगेट ही वही है, मेरा स्टॉप लॉस वही है, मुझे ना बड़ा चाहिए ना मैं बड़ा देने के लिए तैयार हूँ। पहले बहुत देर देखा है मैंने बड़े बड़े लॉसेस, तो अब मुझे इतना तो भरोसा है अपने आप में कि मैं बड़ा लॉस लेके नहीं जाऊँगा, जिस दिन जाऊँगा उसको कैसे मैनेज करना वही मुझे आता है। काफ़ी सारे मैंने लॉसेस कवर अप किए हैं, ठीक है, वो भी कभी आपको दिखाऊंगा कि मेरे को बीच बीच में कैसे बड़े बड़े लॉसेस हुए थे, मैंने उसको कैसे कवर अप किया, कैसे मैनेज किया, क्या साइकोलॉजी रही है। ओवरऑल जब भी बीच में बड़े डेंट्स पड़े उसको कवर अप किया है, तभी आगे को ग्रो किया है, ठीक है। तो आज का ये था ट्रेडिंग सेशन, आप ट्रेडिंग आज महीने का लास्ट ट्रेडिंग डे था, तो काफ़ी अच्छा एक ब्रेकआउट दिया, जो कल आना चाहिए था एक्सपायरी के दिन जो मूवमेंट आना चाहिए था वो आज आया है। अगर यही मूवमेंट कल आया होता तो काफ़ी अच्छा रिटर्न बनता, काफ़ी अच्छा मैं एक्सपेक्टेड था कल के दिन में, बट वो चीज़ नहीं आया जो मुझे चाहिए था, वो आज आया है, बट आज वो प्रीमियम में वो जंप नहीं आता। बट कल अगर यही 3 PM के बाद यही मूव कल आ रहा होता तो यहाँ पर 10-10 के प्रीमियम 60-70 पर ट्रेड कर रहे होते। तो ऐसी था आज का दिन। बाकी अगर आपको ट्रेडिंग करना है, डीमैट अकाउंट खोलना है, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप वहाँ से उन लिंक पर जाके अपना डीमैट अकाउंट खोल सकते हो और ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर सकते हो। बाकी और अगर आप मेरे को देख के ट्रेडिंग में पार्टिसिपेट करना चाह रहे हो, ट्रेडिंग करना चाह रहे हो, तो सीधी सी एडवाइस है कि सीखे बिना कुछ मत करना। और अगर आपके पास मेरा ऐप है तो ऐप में बने रहो, बहुत जल्दी ये 3 दिन के हॉलीडे में मैं उसमें चीज़ें अपलोड करना स्टार्ट कर दूंगा, जो फ्री लर्निंग वीडियोज़ है ना, एटलीस्ट उतना सीख के आप अगर भी उतना सीख के भी करोगे ना तो आप मार्केट को समझने लग जाओ, ठीक है। बाकी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, 100K पहुंचाओ, 100K पर हम एक रखेंगे मीटअप प्लान और पूरी तैयारी कर रहा हूँ उसके लिए, कैसे करना है, कहाँ करना है, देखेंगे अपने नियर पर, जहाँ भी आप भी आ सको मैं भी आ सकूँ तो डिसाइड करेंगे। बाकी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, घंटी बटन को दबा दो और लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो। बाकी मेरे साथ बने रहो, मिलता हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में। अभी मैं इस वीक मेरा कैसा रहा वो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में शो करूँगा, और इस मंथ का कैसा रहा वो भी मैं शो करूँगा, और उसके पीछे साइकोलॉजी माइंडसेट मैं आपको बताता हूँ। काफ़ी लोग मेरे से सीख रहे हैं, जो सीख रहे हैं उनके लिए बहुत बढ़िया है, सीखोगे तो आपको काफ़ी कुछ मेरे से समझ में आया, मेरे डिसिप्लिन या मेरे
ट्रेडिंग स्टाइल से आप कुछ ना कुछ आपके अंदर इम्प्रूवमेंट आ रहा होगा। और बाकी जो भी जिसको भी जैसा लग रहा है वो अपने कमेंट नीचे डाल सकता है, और कमेंट रीड करता ही हूँ मैं, कमेंट देखता हूँ सभी के, लाइक देता हूँ। अब बहुत ज़्यादा होते तो मैं रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ कि मैं ट्रेडिंग वगैरह भी कर रहा होता हूँ, बट वीकेंड में ट्राई करूंगा कमेंट्स आपको रिप्लाई करने की। बाकी मैंने स्ट्रेटजी का रिव्यूज आपने देखे होंगे, मैं जैसा लोगों को अगर बकवास लगी, मैं सीधा लिखा है बकवास लगी है, तो उसमें भी लोगों के पोल आया कि हाँ बकवास है तो बकवास है, अगर अच्छी है तो आप देख सकते हो उसमें कितना परसेंट, ऑलमोस्ट 70% लोगों का ये कहना है कि प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी अच्छी है, मतलब वर्क कर रही है, और बाकी 30% उसमें ऑलमोस्ट कह रहे कि बकवास है। ठीक है, उनका हर किसी के एक्यूरेट आप नहीं बना सकते ना, तो मैं अपनी अगर ये मैं स्ट्रेटजी शेयर कर रहा हूँ तो वो परफेक्ट बिल्कुल नहीं होगी, इसीलिए मैंने एक जेन्युइन रिव्यूज़ हैं वो मैंने आपके साथ शेयर किए, और मैं एक पोस्ट बना के आज डाल भी दूंगा कि हर जगह मैंने पोल डाला था इंस्टाग्राम पे, आपने शायद उसमें वोट किया होगा इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे जो स्ट्रेटजी यूज़ करें उनके वहाँ पे भी, जो मेरे लाइव क्लासेस वाले में रहते हैं उनके पास भी, और अभी मैंने यूट्यूब पर भी डाला, तो इस पर भी आप पोल कर देना। ठीक है, तो आपको मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन बाय बाय, सी यू, जय हिंद।